नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। सेक्टर 80, 79, 78 और सोहाना गुरुद्वारा साहब, ये सारे सेक्टर एयरपोर्ट रोड के ऊपर है। और जब हम खड़े हैं, ये जो घर पीछे हैं, इसके पीछे सोहाना गुरुद्वारा साहब है। और ये उधर से दिखाएं आपको, बहुत लंबा पार्क है, तकरीबन 700-800 फुट लंबाई होगी इसकी और चौड़ाई होगी कोई 300 फुट के आसपास। ये झूले झाले लगे हैं, ये पार्क है और ये वेरका का बूथ है। और इस तरफ मेन रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये वो बिल्डिंग है। अब इस पार्क के बिल्कुल सामने इस तरफ जो बी रोड कहते हैं, जिसकी जो चौड़ाई है 60 फीट से ऊपर होती है, वो वाली रोड ये है। अब इस रोड के ऊपर साउथ ईस्ट फेसिंग सामने कोठियां बन रही हैं। और ये जो कोठियां बन रही हैं, ये आपको थोड़ा अंदाजा दे दें कि ये 250 गज के अंदर 3 बेडरूम की कोठियां बन रही हैं। और हर घर घर के आगे प्राइवेट लॉन जो है वो भी बच रहा है, और सबने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं इस पूरी लाइन के अंदर। तो इस तरफ भी आपको थोड़ा दिखा दें ताकि आइडिया हो जाएगा कि गाड़ियां दो लगने के बाद भी स्पेस बची हुई है। ये बाहर निकल के थोड़ा आपको आइडिया दें, ये कोठी जो बन रही है ये फॉर सेल अवेलेबल है। और ये जो कोठी सामने बनी हुई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बनने के बाद ये कैसे बनेगी। तो आगे ग्रीन पार्क छोड़ा हुआ है ये सामने जो है, और आगे वाले घरों ने भी ग्रीन पार्क छोड़ रखे हैं। और 60 फीट रोड का तो फायदा तो होता ही है। अब इस तरफ ये देखें कि ये जो पार्क के बाहर वाला भी 15 फुट का एरिया है, ये भी ग्रीन बेल्ट है और इसको भी पूरा डेवलप किया गया है। तो ये भी एडिशनल चीज़ है, 60 फीट रोड के ऊपर फेसिंग है। और ये ट्रिपल स्टोरी कोठी बन रही है, इसके अंदर ग्राउंड पे 3 बेडरूम होंगे, फर्स्ट पे 3 होंगे और टॉप पे 4 बेडरूम होंगे। तो जो 4 बेडरूम होंगे वो टॉप फ्लोर पे होंगे। अब इसका जो प्राइस चल रहा है, 2 करोड़ ग्राउंड फ्लोर का चल रहा है, और फर्स्ट फ्लोर का 1.75 चल रहा है, और सेकंड फ्लोर का 1.80 करोड़ चल रहा है, क्योंकि ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर 4 बेडरूम है। अब बात ये है कि अगर इतना सुंदर करके आगे पार्क हो और ग्रीन बेल्ट हो और अपना प्राइवेट भी पार्क हो और 60 फीट रोड हो और सोहाना गुरुद्वारा जो मेन लोकेशन है, जस्ट घर से बाहर निकलते लेफ्ट पे हो, तो ये जो रोड चल रही है, बाहर निकलेंगे बिल्कुल सामने वहाँ पे मार्केट है, और मार्केट के लेफ्ट मुड़ते ही सोहाना गुरुद्वारा साहब है। तो उस हिसाब से 2 करोड़ रुपए में यहाँ पे अगर 250 गज की कोठी का आपको फ्लोर मिल रहा है तो वाजिब रेट है। और इस प्राइस के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट भी नहीं मिलते हैं, वो भी इससे महंगे हैं। तो यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास के सामने फ्लैट हैं, और उसके मुकाबले अगर आपको यहाँ पे कोठी का जो 250 गज की कोठी है उसका ग्राउंड फ्लोर 2 करोड़ में मिल रहा है, तो ये ठीक ऑप्शन है। और जब पैसे जेब में होते हैं तो फिर बंदा अपने स्टेटस के हिसाब से चीज़ें देखता है, अपनी जो लाइफ है उसको और कंफर्टेबल कैसे बनाएं, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास कैसे रहें, और इतनी बड़ी पार्क जो सवेरे शाम जॉगिंग करने के लिए, सैर करने के लिए अवेलेबल हो, और ये सब चीज़ों पे बंदे पैसे खर्चते हैं। तो उसके हिसाब से 2 करोड़ रुपया ठीक बात है, 2, 1.75 और 1.80। तो यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी फॉर सेल अवेलेबल है। और हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में कहा कि हमारे खास दोस्त हैं, उनकी ही ये प्रॉपर्टी है, तो इस बार भी मैं यही कहूँगा कि हमारे खास दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। अब खास दोस्त कैसे हो गए? अब एक तो हम दोनों सेम होम टाउन से हैं, मेरा जो होम टाउन है वही इनका होम टाउन है, और फिर सेम ट्रेड में हैं। अब जब सेम ट्रेड में होते हो तो आपका रोज़ मिलना बैठना उठना होता है, और एक दूसरे साथ मिल के काम करते हैं। तो यहाँ बहुत से जो लोग हैं वो ग्रुप के अंदर काम करते हैं, कहीं कोई 20 बंदों का ग्रुप है, कहीं 50 का है, कहीं 100 का है। तो यहाँ पे भगवान की कृपा से हम भी काफ़ी ग्रुपों का पार्ट हैं, तो इसीलिए सबके साथ मेल मिलाप, उठना बैठना रोज़ होता रहता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे खास भाई साहब हैं, उनकी ये कोठी है, फॉर सेल है, और वो बिल्डर हैं, बना के बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान लगाते हैं और अच्छा प्राइस लेते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे थे, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल करें। इसी रोड के ऊपर सेक्टर 82 में हमारा ऑफिस है, जहाँ कैफे कॉफी डे है उसके साथ में, यहाँ हमारा स्टाफ बैठता है, वो आपको दिखा देगा और जो भी आपने डील करनी होगी आमने सामने बैठ के हो जाएगी। बैंक लोन इस पे अवेलेबल है, ये लीगल है, और मोहाली के अंदर फ्लोर वाइज जो है वो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, लेकिन खरण में नहीं होती, चंडीगढ़ में नहीं होती, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी की कीमत अप हो गई है। तो अगर आप आज भी इसको बाय कर लेंगे तो आने वाले समय में इसके भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।